आ रही है तो अल्लाह के अजाब से डरें कि कहीं कोई और सैलाब ना आ जाए और इनको भी कहीं बहाकर ना ले जाए। तो वो नसीहत कर रही थी, बेटियों लोगों को कुरान सुनाओ, कुरान सुनाओ, कुरान सुनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कब्र वाला नहीं, कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। तो ये जो मैंने आपको आयतें सुनाई हैं कि वो तो कब्रों वालों को मानते ही नहीं थे, वो तो आखरत की जिंदगी को नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मानती थी और ना उनका बेटा ना उनकी कौम मानती थी, तो वो कौन से पांच दरबार थे जिनके ऊपर वो जाया करते थे, वो कौन से पांच दरबार थे, कौन सी पांच कब्रें थी। तो ये एक इतना इसको बात को शोहरत दे दी गई है कि हर बंदा आसानी से इसको कबूल करने वाला करने लगा है और कुरान इसके बारे में कुछ और कहता है। ये था नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। और फिर मैं छोड़ रहा हूं दरमियान से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और बास दीगर अंबिया का, वो टाइम मुझे इजाजत नहीं देता, पिछली बार भी काफी बातें रह गई थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी कुछ कब्रें थी, लोग कब्रों पर जाते थे। कहां है बाबा कुरान में, कहां है मुस्तफा की हदीस में? हाँ, हुजूर ने फरमाया था कि लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ु कुबूरा, वो उन्होंने यहूदो नसारे ने कब्रों को सजदे किए थे, उनको खुदा बना लिया था। इस रवायत के ऊपर इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की तौफीक से आगे चलकर बात करने वाला हूं कि वो नसारा की कौन सी कब्रें थीं, किस नसार, ईसाई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इसके अंदर दरायतन रवायतन इसकी इस्नाद और इसका माना क्या है, ये मैं आगे चलकर बयान करूंगा। अब आइए मुशरिकीन मक्का के ऊपर और देखते रहें कि अहले मक्का कब्रों को मानते थे और वो कब्रों पर विजिट किया करते थे और कब्र पर वो जाया करते थे। इससे पहले कि मैं अगली आयत की उन आयत की तलावत करूं, एक आयत ये जरूर सुन ले, एक या दो आयतें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले मक्का को तू डरा, और ये वो लोग हैं कि जिनके पास तुझसे पहले कोई रसूल नहीं आया, इनके पहले तो इनसे पहले कोई रसूल नहीं आया, इनके पास कोई नबी नहीं आया। और दूसरी आयत सूरह सबा की, अल्लाह ताला फरमाता है, वमा आतीना हुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लक मिन नज़ीर। 44 आयत है ये सूरह सबा की। और इन मक्का वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हैं और ना उनके पास आपसे पहले कोई नज़ीर रसूल आया है। इन दो आयतों से मैं और भी आयतें कुरान की तलावत कर सकता हूं अल्लाह ताला की तौफीक से, लेकिन दो काफी हैं क्योंकि मैं ज्यादा की इसलिए बात करता हूं। एक बार मैंने एक खारजी से बात कर रहा था, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी तो वो कहता है ये तो एक ही आयत है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसका मतलब है दर्जनों आयतों, हाँ तो फिर माननी चाहिए, कुरान की एक आयत भी तो एक ही आयत होती है, वो भी अल्लाह का फरमान है। तो इन आयतों से ये साबित होता है कि मक्के के अंदर नबी नहीं आए। जब नबी नहीं आए तो उनकी कब्रें कहां से आ गई? और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो एक नबी आए, उनकी कब्र तो अल्बानी ने पूरा जोर लगा दिया है कि किसी को मालूम ही नहीं कि उनकी कब्र कहां है, और वो कब्रों को वैसे भी नहीं मानते थे, तो उनकी कब्र कहां से आ गई? ना नबियों की वहां कब्रें और ना वो कब्रों पर जाने वाले। अब मक्के वालों की बात सुन ले, क्या ये कब्रों को मानते थे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये सूरह अल मोमिनून के अंदर ये 79 से मजमून शुरू होता है और 83 तक जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा अल्लाह ताला के हुक्म से, वहुवल्लज़ी युही व युमीत, वो अल्लाह है, सुभान अल्लाह, वही है जो जिंदगी बख्शता है और जो मौत देता है। वला इख्तिलाफुल लैल वन नहार अफला ताकिलून, रात और दिन को बदलने वाला वही है, उसी के कब्जे में है ये सारा कुछ, क्या तुम समझते नहीं हो? जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये आयत तिलावत की ना, वहुवल्लज़ी युही व युमीत, वो जिंदा करने वाला, वो मारने वाला है, तो मुशरिकीन मक्का जो हुरूरियों के मौलाना हुसैन अली बाप पचरों ने टेल लगा दिया उसके ऊपर, ये मौलाना हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ ने, हाफिज इब्ने तैमिया ने, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने, सब ने जोर लगा दिया कि वो कब्रों पर विजिट करने वाले थे मुशरिकीन मक्का। अब उनकी बोली कुरान से सुने, कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो कहने लगे कि मरने के बाद जिंदा होंगे, बल कालू मिसला मा काल अव्वलून। अल्लाह अकबर, वो कहने लगे ये तो वही बातें हैं जो पहली थी। कालू आयजा मितना व कुन्ना तुराबम व इज़ामन अ इन्ना लमबऊसून,
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और मिट्टी बोसीदा हो जाएगी, कुछ बाकी ना रहेगा, तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे? इन्ना लमबूसून, हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? वो ताज्जुब से कह रहे हैं, रेजा रेजा हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, फिर उठेंगे? हैं, व्हाट, दोबारा उठेंगे? आगे अल्लाह ताला फरमाता है, लकद वईदना नहनु व आबाउना हाजा मिन कबल इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलीन. वो कहने लगे ये वादा हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी किया जाता था, ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं, ये तो उनकी कहानियां हैं, कहां जिंदा होंगे. इन आयात से ये पता चलता है कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो आखिरत की जिंदगी को नहीं मानते थे, वो कब्रों वालों को जिंदा नहीं मानते थे. आगे चलकर तो मैं कब्रों की आयतें भी पढ़ूंगा इसके ऊपर इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से. अभी तो मैं ये कह रहा हूं, बता रहा हूं कि नहीं, आखिरत की तो वहां बात ही नहीं थी. 10 पारे कमोबेश, ये कमोबेश मैं कह रहा हूं, 10 पारे इसी के ऊपर आए हैं कि वो कब्रों वालों को नहीं मानते थे. नामालूम इन हुरूरियों को किसी ने बताया ही नहीं, इतने बड़े बड़े शेखुल कुरान है और दुनिया में किसी का लकब शेखुल इस्लाम है जी फलां है, और किसी का शेख अबू गुद्दा ने कहा था रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो ऐसा इस्लाम का शेख है पता नहीं वो कौन सा इस्लाम है, ऐसे इस्लाम को हमारा सलाम है जिनको ये नहीं पता. अब कुरान की दूसरी आयत सुने, सूरह यासीन की, अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फैजा हुआ खसीमुम मुबीन. अल्लाह फरमाता है कि इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया, फिर वो झगड़ने वाला, बकबक करने वाला हो गया, झगड़ने वाला हो गया. और हमारे अल्लाह ताला फरमाता है, वह दौरबालाना मसलम व नसीह खलका कालम निजामा व यरमीम. और वो हमारे बारे में, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको जिंदा कौन करेगा. वो कहता है ये हड्डियां बोसीदा हो जी, कौन जिंदा करेगा? अल्लाह ताला फरमाता है, कुल युहयी अल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रा. कह दो इनसे कि वही जिंदा फरमाएगा जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था. अल्लाह अकबर. वह हुआ बिकुल खल्किन अलीम, वो हर चीज को पैदा करने वाला और हर चीज को जानता है, उसके इलम में है. ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ये हमसे झगड़ा करता है और ये क्या कहता है, इस आयत की तफसीर में इमाम तबरी ने से लेकर शौकानी तक और अल्लामा ज़हबी ने तलखीस के अंदर इस वाक्य को लेकर कहा यह वाक्य सही है. वो ये है कि एक बंदा था मुशरिक, उसका नाम मुशरिक था, नाम था उसका आस बिन वाइल. वो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर एक ऊंट जो था उसकी हड्डी ले आया. ऊंट को ज़िबह किया गया था, उसकी हड्डी आराम से बाहर पड़ी हुई थी, वो उठा लाया और आकर नबी करीम सल्लम के सामने रख दी. तो आकर कहने लगा ये हड्डी ये दोबारा जिंदा होगी. तो अल्लाह ताला ने उसके रद्द में फरमाया, वो मजाक कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो फन मेक कर रहे हैं इस बात का कि दोबारा कैसे होगा. अल्लाह ताला फरमाता फैजा व कसीम मुबीन, ये मुझसे झगड़ता. हाँ, कुल योही अल्लज़ी अनशा वाला मर्रा, मैंने पहली बार भी जिंदा किया था, आखिरी बार भी जिंदा करूंगा. वह हुआ बिकुल खल्क़िन अलीम, मुझे पैदा करना आता था, आता है, आता होगा. यानी हर वक्त जो तखलीक है उसके लिए तो आसान है. कुन फयकून, आगे सूरह यासीन के इसी आखिर में आता है, वो कुन कहेगा तो पैदा हो जाएगा. ये जो तखलीक की अल्लाह ताला की कुदरत है, ये तो नहीं कि पहले थी और अब खत्म हो गई है, तो वो तो हमेशा से थी. मैं जो पॉइंट आपके सामने बयान करना चाहता हूं वो ये, आपका जेन जो आपके जेन को मैं जेन में बात बैठाना चाहता हूं कि जो लोग हड्डियां लेकर आए और कहें हम ये नहीं जिंदा होंगी, हम जिंदा नहीं होंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, इसका मतलब ये निकला कि वो कब्रों में पड़े हुए लोगों को नहीं मानते थे, वो कब्रों इंसानों की, अंबिया और सालेहीन की अरवाह को नहीं मानते थे, वो किसी और अरवाहों को मानते थे, वो जिन्नात की थी, वो शयातीन की थी, वो उन अरवाह को मानते थे. वो कहते थे कि जिन्नों शयातीन की अरवाह सितारों के पीछे बैठी हुई है, अरे जालिमों वो तो उनको मानते थे, खुदा उन पे लानते कर रहा है, खुदा उनको गैर अल्लाह कह रहा है. ला इला इल्लल्लाह का मतलब तो वो बनता है, अहले कबूर कहां से निकाल लिया कि ये मतलब बन जाता है, और इसकी वजह से सर्टिफिकेट शेख उल कुरान का मिल गया.
कि हमने वो इन आयात को जब अप्लाई कर दिया, चस्पा कर दिया, तो अहले कुरान शेखुल कुरान बन गए। ये शेखुल कुरान की जवाहरुल कुरान।